नहीं नहीं इनको नहीं मिला, ये अभी आए हैं। मैम कैसा लग रहा है, अंकिता लोखंडे बिग बॉस में है एज अ विनर, लोग देख रहे हैं उनको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा खेली भी है वो, उसने अपनी इमोशनल साइड सब साइड दिखा दी है, लेकिन अच्छा खेल रही है। मगर एक जगह जाकर इनके रिलेशनशिप में विक्की और अंकिता के बीच में बहुत मन मुटाव भी हुआ था, उसको लेकर आपको क्या क्या होता है ना, इतने से लोग रहते हैं उनमें आपको ना टीवी है ना कुछ है ना आपको बात करने के, उसके सिवा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, रोज बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है, इसके सिवा कुछ काम नहीं, हो जाता है, हो गया सब नॉर्मल, इज गुड, मस्ती कर रहा है मस्त, वो भी सपोर्ट कर ही रहा है ना, देख ही रहे हो ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मियाँ बीबी के झगड़े तो चलते रहते हैं, इसके मियाँ बीबी के बहुत प्यार से मतलब झूठ होते हैं। और अभी विक्की बाहर आए थे और पार्टी उन्होंने किया, तो किसी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छी तरह पार्टी किया, जहाँ पर उनको अपनी पत्नी का एक करना चाहिए वोटिंग के लिए, वोट करना चाहिए, वहाँ पर वो पार्टी कर रहे हैं, उस पर सब बिग बॉस वाले थे, आयशा वगैरह सबने अपील की है, वोट अपील सबने अपील की है, तहलका भी मेरे साथ अभी था, तहलका भी अभी बोल के गया ना आपके साथ में, ऐसा नहीं है, है वो लोग दोनों ही ऐसे हैं, उनके घर पे क्या है ना, वो लोगों को बुलाते हैं पार्टी करते हैं, वो कहीं ऐसे जाते आते नहीं है, लेकिन वो सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उसके इतने पुराने फैंस हैं, पवित्र रिश्ता से चले आ रहे हैं, वो तो आज खड़े हुए हैं ना उसके साथ, और है सारा दुनिया कर ही रही है, कोई भी जीतेगी तो जीतेगी। एज अ मदर आप कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता का भी वो सफ़र देखा हुआ है उसका, उस समय भी मैं पूरे टाइम उसके साथ में रही, और इस टाइम रोज़ देख नहीं पाती थी, लेकिन अधिकतर मैं उसके कपड़े वगैरह देने में खुद आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लगता था ये वॉल के पीछे वो बैठी है, तो वो तो हूँ उसके साथ में हमेशा ही रही हूँ और रहूँगी भी हमेशा। अभी बस बढ़िया, थैंक यू।